अरे भोला राम पालिश तो कर दे। अरे काहे पे पालिश करूं? मेरी सूरज पर लो ये जूते, जल्दी करो जल्दी। बाबा बाबा मेरा जूता तो ठीक कर दो। लाओ मैं ठीक कर दूं। क्या हुआ चंदू? कुछ नहीं, जरा कील निकल गई है। कौन से दर्जे में पढ़ती हो? कैसे बेटी, दुनिया की हर चीज के साथ पढ़ाई भी तो महंगी हो गई है। लो बाबूजी। देखा बेटी, पालिश दो जूतों का और पैसा एक। लो हो गया जूता तैयार। शमू दादा चार पैसे दे दो। विद्या एक की लगाई के चार पैसे? एक पैसा बहुत है। दुनिया की हर चीज महंगी हो गई है शंभू दादा, इन्हें चार पैसे दे दो। अब तो पढ़ाई हो गई सस्ती। क्यों नहीं, बिटिया जैसे ग्राहक आएंगे तो पढ़ाई क्यों ना सस्ती हो जाएगी। अब तो पढ़ाओगे ना इसे? हाँ, तुम्हें रोज जूता ठीक कराने आना पड़ेगा। लो ये चार पैसे। अरे नहीं बेटी, मैं तो यूं ही हंसी कर रहा था। लो मेरी तरफ से तुम मिठाई खा लेना। लो बारी वाह, पैसे वापस क्यों ले लिए? ला मुझे दो। लो लो ना जी, लो ना। कितनी प्यारी बच्ची है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान, इस चमार ने सोचा है कि अपने बेटे को पढ़ाए इसलिए कि वो पढ़ लिख कर आदमी बन जाए। बहुत बड़ी बात कह गया भगवान। उसे मैं नहीं तुम ही पढ़ाओगे। उसे ऐसा बना दो भगवान कि जहां तुम्हारे बनाए हुए बड़े बड़े आदमी खड़े रहते हैं वहां चंदू भी खड़ा रह सके। बस मेरी यही विनती है। क्यों रे, सबक याद नहीं किया ना? मास्टर जी कल जरूर याद करके आएंगे। कल जरूर याद करके आएंगे शरीर के। नमस्ते। चंद्रशेखर। मास्टर साहब, चंदू आप ही का लड़का है। चंदू को आपकी सपोर्ट करता हूं। राम राम। भोला चमार का लड़का। चंदू जब बैठ जाओ। बाबूजी, आज पहली दफा मदरसे गया था ना ये अंग्रेजी पढ़ने हैं। बहुत अच्छे भोला राम, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चंदू। चंदू बहुत अच्छे। कहां तक पढ़ो? ये है एक किताब और ये है एक बाजा। बेटे, किताब पढ़ने के लिए और बाजा बजाने के लिए। पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए और खेलने के वक्त खेलना चाहिए। भोला राम, लड़का होनहार मालूम होता है, खूब पढ़ाना है इसे। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। भाभी आ गए ना भैया? जी। इसे पानी पिलाकर सुला दो। इस तितली को नींद आएगी क्या? तितली? तितली नहीं तो और क्या? आपने जरा सी आवाज दी, फुर करके उड़ गई। चलो भैया, चलो अब तुम खाना खा लो। चलो। भाभी,
भाई साहब नहीं आए? नहीं, किसी काम से रह गए होंगे। प्यार बनके मुझ पे कोई छा गया रे, आज मेरा दिल किस पे आ गया, आज मेरा दिल, आज मेरा दिल किस पे आ गया। क्या गया क्या गया रे, आज मेरा दिल किस पे आ गया, आज मेरा दिल, आज मेरा दिल किस पे आ गया। बाएं खुले आज खड़ी रही है। मैं पूछता हूं तो अभी तक मेरा इंतजार न किया कर। हार मालूम होता है, खूब पढ़ाना इसे। ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी। बाजा किसने बजाया? बोलो, बाजा किसने बजाया? बोलो मास्टर जी, बाजा चंदू ने बजाया है। तू यहाँ पढ़ने आता है या बाजा बजाने? बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं मास्टर जी, बाजा चंदू ने नहीं बजाया, हरीश ने बजाया है। हाँ, क्यों नहीं हरीश?
विद्या? नहीं, तुम तो उस चमार के साथ खाओगी। हाँ खाऊंगी, तुम्हें क्या? क्या खा रहे हो चंदू? चने। हमें नहीं तोलते। तुम खाओगी चने? तुम्हें मेरी मिठाई खानी पड़ेगी, खाओगे ना? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ? मार मार कर उसका मुंह सुजा दिया, फिर भी कहता है मैं निर्दोष हूँ? नीच कहीं का, तूने जरूर उसे मारा होगा। खोल हाथ। नहीं मास्टर जी, मैं भी वहीं थी। चंदू बिल्कुल निर्दोष है। तू चुप रह। राय साहब भगवान दास का बेटा कभी झूठ बोलेगा? जूते की दुकान छोड़कर यहाँ पढ़ने आया। खोल हाथ, खोल हाथ, हाथ खोल। आ, आ, बाबा। बेटा बेटा सो जा, सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। गलतियां हमेशा गरीबों से ही होती हैं। तूने बहुत बुरा किया जो राय साहब के बेटे को मारा। लेकिन बाबा पहले तो उसी ने मारा था, भले विद्या ही से पूछ लो। हाँ हाँ मारा होगा, वो मार सकता है क्योंकि अमीर का बेटा है ना। अमीर का बेटा है तो क्या हुआ, क्या वो हमें मार डालेगा? हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे बाबा, हम ऐसे स्कूल में नहीं। चंदू निर्दोष है, सच्ची बात बता देती मास्टर जी को। मैं मास्टर जी को सच्ची बात बताने लगी तो मुझसे कहा चुप रहो, राय साहब का लड़का कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ क्या मेरे बाबूजी हरीश के बाबूजी से छोटे हैं? बोलो ना माँ, तुम तो कहा करती हो मेरे बाबूजी बहुत बड़े आदमी है, वो आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। माँ बाबूजी कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटी, चल सो जाओ। जब तक बाबूजी नहीं आएंगे मुझे नींद नहीं आएगी। आ जाएगी बेटी, आंखें मूंद दे, चल चल सो जा। मेरी मुनिया जा, मेरी मुनिया की अखियन में तू आ जा, निंदिया राने आ जा। मीठी मीठी दे दे थपकी मुनिया, जिससे ले ले चपकी। मीठी मीठी दे दे थपकी मुनिया, जिससे ले ले चपकी। सुख सपनों के कलियां इसके मन में आन खिला जा, तू आ जा निंदिया राने आ जा। मेरी मुनिया की अखियन में धी पवन के झोंके आए, मधुर रागिनी देश प्रेम के गागा इसे सुनाए, आए इसे झुलाए। बस जाए मन में ये गीत, हो जाए जीवन की जीत। बस जाए मन में ये गीत, हो जाए जीवन की
गीत का सहरा इसके सिर पे आन सजा जा तू आ जा निंदिया राने आ जा मेरी मुनिया की अखियन में तू आ जा निंदिया राने आ जा निंदिया राने आ जा तो चंदू को पीटा मास्टर जी ने और बहुत पीटा लेकिन क्यों किसी राय साहब भगवान दास के लड़के से इसका झगड़ा हो गया था मगर बाबूजी चंदू तो ऐसा नहीं है ठीक है भोला राम चंदू को मास्टर ने पीटा ये बहुत ही अच्छा हुआ बाबूजी हाँ भोला राम ये मार से जीवन भर याद रहेगी मास्टर ने चंदू को नहीं पीटा बल्कि इसकी सोई हुई उस भावना को ठोकर मारकर जगाया है जो इसे एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी भोला राम कहीं ऐसा न हो कि बेटे का प्यार तुम्हारे आदर्श के रास्ते में रुकावट बन जाए नहीं नहीं बाबूजी ऐसा कभी नहीं होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे टैक्सी वाले को किराया दे दे छोड़ दे मुझे भाई साहब अभी तक भाभी ने कुछ नहीं खाया है आठ आठ दिन गुजर जाते हैं बिना खाए हुए कुछ तो ख्याल कीजिए भाभी का ओ तू भी जग रहा है अभी तक भाभी के लिए तेरे दिल में दर्द ना होगा तो और किसके दिल में होगा समझा दे इसे कि मेरा इंतजार ना किया करे भाई साहब राम भैया छोड़ो मुझे भाभी तुम भी मुझे धक्का मारो घोड़ दो मेरा गला अपने जीते जी मैं तुम्हें उन्हें कुछ भी ना कहने दूंगी भाभी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राम भैया जाकर सो जाओ लीजिए भोजन ठंडा हो रहा है मैं खाकर आया हूं पीने से कलेजा जल जाता है कलेजा जल जाता है तो तेरे बाप का क्या जाता है चंदू चंदू उठो बेटा मदरसे नहीं जाओगे नमस्ते बाबा जीते रहो बेटा जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ बाबा बेटा फिर तो नहीं मारेंगे मास्टर जी अरे नहीं बेटा वो तेरे नमस्ते साहब नमस्ते आप ही हैं चंदू के मास्टर जी हाँ मास्टर साहब
आप हैं डॉक्टर राम सिंह, MA D.Litt, यहाँ के एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, तशरीफ रखिए मास्टर जी। मास्टर साहब जी, आपकी तंदुरुस्ती तो बहुत अच्छी है। जी जी हाँ, रखनी ही पड़ती है। मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी अच्छी तंदुरुस्ती क्यों रखते हैं? जी यही शरीर की रक्षा के लिए। शरीर की रक्षा के लिए? जी हाँ। या इन छोटे छोटे बालकों पर ताकत आजमाने के लिए? मास्टर साहब, पढ़ाना प्यार से होता है, मार से नहीं। ये बालक हमारे देश के दीपक हैं, जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे। आपने चंदू को पीटा, और बहुत पीटा। क्यों? इसलिए कोई गरीब चमार का लड़का है? मास्टर साहब, याद रखना चाहिए कि एक पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पढ़ाने वाले की नजर में सभी विद्यार्थी एक हैं। हेडमास्टर साहब, अब छड़ी का गुजर पाठशाला में नहीं होना चाहिए। जनता ने अपने कलेजे के टुकड़े हमें इसलिए सौंपे हैं कि हम उनमें नई जान डाल दें, नई उमंग पैदा करें, और उन्हें इस काबिल बना दें कि जब वो दुनिया के सामने एक होकर जाएं, तो दुनिया उनके सामने सर झुका दे। मास्टर साहब, चंदू भी उन्हीं कलेजे के टुकड़ों में से एक है। मैं समझता हूं मेरे निवेदन का अर्थ आप लोग समझ गए। नमस्ते। नमस्ते। सुन लिया मास्टर साहब? जी। ए पगले, विद्या जूते के नीचे रखी जाती है? कॉपियाँ हवा से उड़ रही थी ना, इसलिए रख दिया था। उठा जूता, लगा माथे से। अबे जूता नहीं विद्या, लगा माथे से। शाबाश बेटा, विद्या माथे से लगाई जाती है, जूते के नीचे नहीं रखी जाती। अच्छा बेटा, अब कभी नहीं रखूंगा। जीते रहो, अब जाके सो जाओ, सवेरे जल्दी मदरसे जाना है ना, जा। नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटा। नमस्ते माँ। देखा चंदू की माँ? देखा तुमने? मैंने चंदू से कहा कि विद्या माथे से लगा, तो उसने जूता माथे से लगा लिया। कितना पगला है तुम्हारा चंदू। मुझे इस तरह की पकड़ रखा है? तू समझती है मैं नशे में हूँ? जी नहीं, मैं समझती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। चल हट। भाई साहब, क्या है ये सब? क्या है भाई साहब, घर में आज फैसला? कैसा फैसला, किसका फैसला? जी भाभी का फैसला, विद्या का फैसला, और सारे घर का फैसला। राम भैया, भगवान के लिए। ठहरो भाभी, अब मैं लहू का घूट पीकर। राम सिंह। भाई साहब, भाई साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप रात के 2-2 बजे तक कहाँ रहते हैं? तू पूछने वाला कौन होता है? मैं किसी वक्त भी आऊँ, यह मेरा घर है। अफसोस तो यही है कि आप इस घर को अपना घर समझते ही नहीं। यहाँ आते भी हैं तो रात के 2-2 बजे, भूखी प्यासी भाभी थाली में भोजन लिए बैठी रहती है, और आप शराब के नशे में जूं जो जी में आता है कह डालते हैं। कभी गरीब से भी पूछा कि तूने अन्न का एक दाना भी मुंह में रखा है? हो जाती है। भाई साहब, तू समझता है शराब के नशे ने मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। तेरी और तेरे इस घर की लक्ष्मी की प्रेम लीला मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये उल्टा है। भाभी, खामोश। भाभी तुम खामोशी रहो, ये पाप में इतने डूबे हुए हैं कि हर एक में इन्हें अपनी परछाई दिखाई देती है। ये समझ ही नहीं सकते कि एक सती और उल्टा में क्या फर्क है। भाई साहब, अगर किसी दूसरे ने भाभी के लिए ऐसे शब्द कहे होते तो क्या करता तू? किस जमान खींच लेता, और अब आपसे भी कह देता हूँ
कि भाभी के लिए कभी ऐसे शब्द जबान पर न लाए। भाभी मेरी माँ है, माँ माँ। नीच कहीं का, तू मेरा भाई नहीं दुश्मन है, निकल जा मेरे घर से। स्वामी खामोश। मैं शांति चाहता हूँ। भाभी मैं जाता हूँ। राम भैया, क्या तुम विद्या को छोड़कर चले जाओगे? चाचा जी क्या जा रहे हैं? चाचा जी तेरे बाबूजी के लिए शांति खरीदने। बेटी माँ, बेटी आइए आइए बाबूजी। बैठिए बाबूजी। बोला राम, इतनी रात तक काम करते हो? चंदू को पढ़ाने के लिए, अभी तो हाथ पांव चलते हैं, फिर कौन जाने क्या हो। तुम्हारे घर में कितनी शांति है। चंदू की मां, धन्य हो भोला राम, धन्य हो। बाबूजी, आपका जी दुखी मालूम होता है, आप मुझे बताइए आपको क्या दुख है। इतनी रात गए यहां आना, जरूर इसमें कोई भेद है, मुझे बताइए आप। भोला राम, मैं समझ गया बाबूजी, आप जरा ठहरे। भोला राम जरा ठहरे बाबूजी। राम ये सब क्या है? बाबूजी, अगर आप भूखे हैं। जिस आदमी का जीवन गरीब और दुखियों की सेवा के लिए हो, उसे अपमान जैसी चीज छू भी नहीं सकती। जो चीज मुझे चाहिए थी वो यहां आने से मिल गई। बाबूजी, गरीबी के सिवाय मेरे पास और रखा ही क्या है? आज अपने जीवन में मैंने पहली बार हमदर्दी पैदा हो जाए तो देश स्वर्ग बन जाए। भोला राम, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, एक ऐसी संस्था खोलना चाहता हूं जिसका नाम विद्या भवन होगा। जानते हो विद्या भवन में क्या होगा? विद्या भवन में विद्या होगी, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा और तुम्हारे जैसे विद्या प्रेमी होंगे। भोला राम, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद से ही विद्या भवन खुल सकता है। मेरा साथ दोगे? बाबूजी, मैं और तो कुछ नहीं जानता, अपनी जान आप पर निछावर कर सकता हूँ। बहुत अच्छे भोला राम, बहुत अच्छे। अब विद्या भवन खुलेगा और जरूर खुलेगा। राम सिंह और भोला राम हरिजनों, परम पूज्य महात्मा गांधी के पवित्र संदेश को घर घर पहुंचाने लगे।
राम सिंह और भोला राम हरिजनों परम पूज्य महात्मा गांधी के पवित्र संदेश को घर घर पहुंचाने लगे। बच्चों को कवायद सिखाई जाने लगी ताकि उनकी जिंदगी बेतरतीब होकर बिखर न जाए। इन बेचारी विद्या की माँ अपनी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ रामायण का दीप जलाए बैठी थी और उसके पति हरि सिंह अंधेरे को रोशनी समझे बैठे थे। विद्या भवन बन रहा था, राम सिंह और भोला राम अपनी आशाएं समेटे खड़े थे। चंदू और विद्या भी किसी अनजान इमारत की बुनियाद डाल रहे थे। विद्या भवन तैयार हुआ। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। अपनी नजर का जादू, अपनी नजर का जादू, क्या पूछते हो हमसे, देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी। सपनों में नाचती है, सपनों में नाचती है हंस हंस के जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। दीपक की रोशनी पर जलते हैं क्यों पतंगे, जलते हैं क्यों पतंगे। एक आपका है किस्सा, एक है मेरी कहानी, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। तुम्हें इस कहानी का अंत भी मालूम है? तुम्ही ने कहानी शुरू की है, अंत भी तुम ही करोगे। और अगर कहानी पूरी ना हो सकी तो तुम्हारी विद्या अधूरी रह जाएगी। चंदू की विद्या अधूरी न रह जाए भगवान, बड़ी मेहनत की है तुम्हारे चंदू ने, उसकी मेहनत का बदला जरूर देना। आज उसके इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है, उसके इम्तिहान के साथ साथ एक बूढ़े बाप की आशाओं का भी इम्तिहान है भगवान। छियानवे नंबर है उसका प्रभु, छियानवे याद रखना। हाँ, मेड इन इंडिया, एकदम हिंदुस्तानी भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या चीज बनाई है साहब, है बहुत अच्छे, बहुत। रेखा देखो तो कितनी मजेदार चीज है। ओ नो नो नो, ये टिकट तो बहुत भारी है, मेरी तो कलाई दुखने लगी। हाय 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 हाय, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। लीजिए साहब, ये तो बहुत भारी है। आ सुमन, हाँ फुटबॉल ना, फुटबॉल फुटबॉल ठीक, फुटबॉल ठीक। हाय हाय, लीजिए साहब ये भी नहीं चाहिए।
जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। ओ भोला बाबा, मैं हूँ हरीश बाबा। हरीश भैया, जय हिंद। जय हिंद बाबा। देखो तो 96 का क्या हुआ? 96? हाँ, चंदू बीए के इम्तिहान में बैठा है ना। हाँ बाबा, मालूम है, मालूम है मुझे। 96? जल्दी बोलो। 96 बाबा। हाँ, चंदू फेल हो गया बाबा। फेल हो गया? हाँ बाबा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चंदू कभी फेल नहीं हो सकता। जरा इसमें तो देखो, जरा जल्दी करो हरीश बाबू, शायद इसमें 96 नंबर आ गया हो। वो और ये तो सब एक ही चीज है बाबा। मुझे बड़ा अफसोस है चंदू के फेल होने का। मेरा तो बचपन का दोस्त है ना। तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, मगर मेरी तो आशाओं की दुनिया लुट गई। बाबा, चंदू ने मेहनत बहुत की थी, मगर वो है ना हरी सिंह की लड़की विद्या, उसका क्या हुआ? वो खुद तो पास हो गई है और चंदू तुम्हारे को फेल करा दिया। वो पास हो गई? ये बड़ा अच्छा हुआ विद्या पास हो गई। लेकिन चंदू को फेल कैसे करा दिया? देखो बाबा, मैं किसी की बुराई तो करना नहीं चाहता, लेकिन चंदू का दोहरा जरूर, मेहनत भी बहुत की, लेकिन विद्या की भोली भाली सूरत के सामने उसका सब पढ़ा लिखा साफ हो गया। चंदू ऐसा नहीं, विद्या भी बहुत अच्छी लड़की है, उसके फेल होने का ये कारण नहीं हो सकता। फेल होने का कारण तो पास होने वालों से पूछो। जरा मेरी तरफ ही देखो, मैं तो कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं, यही वजह है कि झट से पास भी हो गया। बाबा, चंदू कहाँ है? चंदू? मालूम नहीं। ओ, वो शायद विद्या को मुबारकबाद देने गया होगा। और बताओ, बताओ, और तुम्हारा ब्याह, तुम्हारा ब्याह एक ऐसे लड़के के साथ होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए कोई उम्मीद न रखे। उम्मीद तो रखने दो चंदू, शायद ज्योतिषी महाराज ही बकवास सच्ची हो जाए। विद्या, क्या हम जिंदगी भर यूं ही हंसते ही रहेंगे? क्यों नहीं चंदू, ये पास होने के बाद शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुछ और बनाना चाहें, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर। तुम्हें छोड़कर तो मैं कुछ भी नहीं बन सकती। कुछ बन तो जरूर गई हो, जरा मेरे दिल से पूछो। तुम्हारे दिल से क्या पूछो, ये तो मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि मैं बड़ी हो गई। यही तो मुश्किल है कि तुम बड़ी हो गई हो और मैं भी बड़ा हो गया हूँ दुनिया की नजरों में खटकने के लिए। दुनिया की आंखें ना तुम बंद कर सकते हो ना मैं, खटकने दो हमारी बला से, जो एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें तो दुनिया की आंखें खोलनी है विद्या। बाबूजी ने और बाबा ने विद्या भवन इसलिए बनाया है कि दुनिया के दिमाग विद्या की रोशनी से जगमगा उठे। बेशक ऐसी जगमगाहट हो कि लोगों की आंखें बंद हो जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे, रोशनी अंधेरे में बदल जाए। आपकी आंखें तो हमेशा अंधेरा ही पसंद करती हैं हरीश बाबू। विद्या, बधाई विद्या, बधाई, बहुत बहुत बधाई। किस बात की? कोई बात हो या ना हो, ये तो तुम्हें बचपन से ही बधाई देते आए हैं। विद्या, तुम पास हो गई हो और मैं भी हो गया हूँ। और चंदू? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा बचपन का साथी दिली दोस्त मिस्टर चंद्रशेखर, जो आज तक हर इम्तिहान में बेधड़क पास होता आया है, बीए के इम्तिहान में। रुक क्यों गए? कह डालिए और अपना कलेजा कर लीजिए कि चंदू मैं फेल हो गया। कहते हुए कलेजा मुंह को आता है कि चंदू तुम फेल हो गए। ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया फेल हो सकती है, मैं फेल हो सकती हूँ, लेकिन चंदू फेल नहीं हो सकता। बेशक बेशक, चंदू कभी फेल नहीं हो सकता था। कोई बात नहीं भाई, इम्तिहान तो हर साल ही होते हैं। स्ट्रेंज, पत्थरों से दिल बहला रहे हो? नहीं, बल्कि जो पत्थर दिल बहलाने काबिल नहीं होते उन्हें फेंक रहा। तो हमें भी ऐसा ही पत्थर समझ कर फेंक कर चले आए हो। नहीं रेखा, तुम तो फूल हो गुलाब का। क्यों लीला? ठीक तो कह रही है रेखा,
नसरीन के साथ पार्टी का वायदा और आप गायब। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले तुम ये बताओ कि तुम आई कब? आज ही, लेकिन हजरत पास होने की खुशी में रेखा सुमन वगैरह सबको इनवाइट किया और मेरा नाम लिस्ट में से कट। अरे नहीं लीला, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में सबसे पहला है, तुम्हारी पार्टी आज औरों की फिर, चलो। हाँ 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 हाँ, और भी तो फ्रेंड्स हैं। अरे मारो गोली और फ्रेंड्स को, चलो चलो। चंदू की माँ, चंदू की विद्या अधूरी रह गई, आज पहली बार फेल हुआ है तुम्हारा चंदू, लेकिन कसूर मेरा है बजाय उसने विद्या को गले से लगा दिया। हो गया फेल बाबा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं फेल नहीं हो सकता। जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है बेटा, तुझे विद्या की कीमत तो मालूम हो गई, विद्या को पाना इतना सरल काम नहीं है बेटा। चंदा में भी कलंक होता है, तू अगर बाबा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे चंदू को कभी कलंक नहीं लगेगा, वो विद्या भवन के नाम को कभी बट्टा नहीं लगने देगा। अगर ऐसा हो भी गया तो चंदू कभी किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। जूतियां सीसी कर जिसने अपना सिर दुनिया के सामने ऊंचा रखा, क्या उसका बेटा मुझ पाएगा? चंदू मेरी तो आशा थी कि अगर कोई भोला कहकर पुकारता तो लोग पूछते कौन भोला, मेरे कानों में आवाज आती कि श्री चंद्रशेखर के पिता भोला राम, क्या तू दुनिया के सामने मुझ पाएगा, मेरी आशाएं खाक में मिला देगा? अगर ऐसा होगा तो मैं समझ लूंगा कि गरीब के लड़कों और अमीर के लड़कों में कोई फर्क नहीं। बाबा बाबा, जब तुम रात रात भर जागकर जूतियों में टांके लगाते थे तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे कलेजे में टांके लग रहे हों। क्या मैं वो भूल जाऊंगा? लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, रात के बाद दिन जरूर निकलता है। रात के बाद दिन जरूर निकलता है बेटी, ये चंद्रमा लगाई, मगर इस दुनिया में न कभी आग लगी है न लगेगी। तू क्यों अपने मन को दुखी कर रही है बेटी? भोला बाबा की आशाएं तड़प रही होंगी, चंदू मन ही मन घुटा जाता होगा, सोचता होगा विद्या पास हो गई और मैं फेल हो गया, मगर माँ चंदू से कोई ये तो कह दे जाके कि चंदू पास हो गया और विद्या फेल हो गई। चंदू की विद्या अधूरी रह गई माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटी। बात हो, फेल हो कोई और रोए कोई। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा। जय हिंद विद्या। जय हिंद। कैसे आना हुआ हरीश? विद्या पास हुई है ना चाची, पास होने की खुशी में कोई ना कोई प्रेजेंट तो देना चाहिए विद्या को। सुबह से ये वक्त आ गया जौहरियों की दुकानें देखते देखते, तब जाकर कहीं यह हार मिला है। कितना अच्छा है चाची, है ना? 10,000 का है ये हार, अपने ही पास रखिए, आड़े वक्त आपके काम आएगा। अगर ये हार इस वक्त काम ना आया, समझने की कभी कोशिश ही नहीं करती। तुम भी तो उसे समझने की कोशिश करो, चंदू के फेल होने से विद्या बहुत दुखी है। मैंने तो चंदू को कई बार समझाया कि देख भाई कुछ पढ़ ले। विद्या पास हो गई है। विद्या पास हो गई है, बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी में उसको कोई अच्छी चीज ला दीजिए ना, वो भी खुश हो जाएगी। क्या चीज ला दूं? ओ, बहुत अच्छी चीज ला दूंगा। कहाँ है विद्या? सो रही है। सो रही है अभी तक?
रात भर नींद नहीं आई उसे। क्यों? चंदू फेल हो गया है ना, इसका बड़ा दुख है उसे। हाँ? कौन चंदू? ओ, वो चमार का लड़का, बड़ी बेवकूफ है विद्या। दोनों बहुत घुल मिल गए हैं। चाय में शक्कर बहुत मिल गई है। हैं? तू क्या कह रही थी? घुल मिल गए हैं? कौन घुल मिल गए हैं? तुम माँ बेटी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हरी, she's getting awfully late. बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बैठो भी, बहुत दिनों के बाद तो मुलाकात हुई है। नो नो, मुझे क्लब जाना है। लीला? यस? मतलब की बात तो अभी हुई ही नहीं। मतलब की बात? What do you mean? यही कि जहां तुम जा रही हो मतलब से ही जा रही हो। अगर तुम्हारा मतलब मैं पूरा कर दूं। Oh, I see. But कैसे? मिस लीला, दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए रुपयों की दूरबीन चाहिए। Definitely. अगर वो दूरबीन मैं तुम्हारी आंखों पर लगा दूं? No, no, no. No obligation. मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं भी किसी को दान में रुपए नहीं देता मिस लीला। काम लेता हूँ और रुपए देता हूँ। मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। Oh. You mean business? कोई सौदा करना चाहते हो? Go ahead. बोलो। Thanks. विद्या भवन का नाम तुमने सुना ही होगा। या? तुम्हें कुछ दिन वहाँ की सेविका बनकर रहना होगा। चंद्रशेखर से दोस्ती पैदा करनी होगी। विद्या और चंद्रशेखर जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों को अलग करना होगा। This is very mean. बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मेरे लिए ये मौत और जिंदगी का सवाल है मिस लीला। अगर तुम चाहो तो एक मरते हुए को बचा सकती हो। Well. Oh, thanks. That's fine. Just a minute. ये सिर्फ पेशगी है। Thanks. Bye bye. Good luck. में होगा। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें जरूर होगा बेटा। 96 नंबर। बाबा ये सब कल के अखबार है। बाबा, बाबा। चंदू। बाबा। मैं पास हो गया हूँ बाबा। तू पास हो गया? चंदू पास हो गया। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था बेटा। ऊंचा करके तुमसे आशीष मांग रहा है। अपने पगले चंदू को खुश होकर आशीष तो दू। चंदू की माँ, चंदू की माँ, ये दूसरी पगली आई। चंदू, बाबा, चंदू पास हो गया। मेरी बच्ची, आ चंदू मेरे कलेजे से लग जा। मेरे कलेजे को ठंडा कर दे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भोला राम। पागल बनो और ऐसे पागल बनो कि तुम्हारा पागलपन सारे देश के पागलपन को दूर कर दे। चाचा जी, हम पास हो गए। जीते रहो मेरे बच्चों। और इसी तरह विद्या भवन का नाम चमकाते रहो। अब विद्या भवन का भार तुम दोनों के जवान कंधों पर रखा जाएगा। बाबूजी, आपने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। भोला राम, अगर तुम मेरी मदद न करते तो विद्या भवन नहीं बनता और दुनिया राम सिंह के नाम को भूल जाती। चाचा जी, क्या बात है बेटी? चंदू को माँ ने घर बुलाया है। भाभी ने बुलाया है? तो ले जाओ, जाओ चंदू। बेटा,
भाभी से मेरा प्रणाम कहना। जी। बधाई चंदू बाबू। बधाई विद्या देवी। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े बाबू ने तुम्हारे लिए बहुत सी मिठाई मंगाई है, मिठाई खाओगे ना? अंत तुम्हारे हाथ से खाएंगे। अच्छा मैं। बधाई मिस्टर चंद्रशेखर। बधाई विद्या। धन्यवाद। जय हिंद माता जी। खुश रहो। दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटा, बैठ जाओ। क्यूरी तू पास हुई और अभी तक हमें पार्टी ना मिठाई? ये तो आज पास हुई है, कल फेल हो गई थी बेचारी। अरे रेल जरा ठहरो तो, मैं अभी तस्ती में लगा के लाता हूँ। तुम तस्तियाँ लेकर आओ, हम सब ठीक कर लेंगे। अरे चंदू को भी थोड़ी मिठाई दो, हमने हाथ थोड़ी ही रोक रखा है। आइए मिस्टर चंद्रशेखर, बीए फेल, बीए ऑनर। लो इसे ले जाओ और इसे भी ले जाओ। सब मिठाई खत्म कर दे, चंदू के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मुझे मिठाई से ज्यादा इन सब की हंसी में मजा आ रहा है। ले सुन ले। अरे छोड़ो ना मुझे। नहीं छुड़ाओ ना मुझे। एक शर्त पर छूट सकती है ना बाबा? ना मैं किसी के खिलाफ तो कुछ कहना नहीं चाहता चाचा जी। ये तो आप जानते ही हैं कि मरते वक्त मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। है आप कहो क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो मेरे लिए आपने कौन सा काम सोचा है? मैंने तुम्हें कई बार कहा कि जिम्मेदारी का काम अपने हाथ में ले लो, मगर तुम शहर छोड़ना ही पसंद नहीं करते। चाचा जी अगर मैं शहर छोड़ दूंगा तो एक दिन में आग लग जाएगी घर में। क्यों, घर में क्यों आग लग जाएगी? क्या बताऊं चाचा जी, मुझे तो रात दिन आग से खेलना पड़ रहा है। आग की लपटें मेरी आंखों के रास्ते दिल तक उतर चुकी हैं। तुम तो शायरी करने लगे, साफ साफ कहो ना। उस चंदू को तो आप जानते हैं, वही आग लगा रहा हमारे घर में। मैंने फिर देखा उसे विद्या के साथ। और तुम देखते रहे, गोली क्यों ना मार दी उस बदमाश को? मुझे क्या पड़ी है, मैं कौन होता हूँ विद्या का? आपकी लड़की है, जब हमें चंदू के साथ रहे या किसी और के, मैं किसी को क्यों मारता फिरूं? कहाँ है वो चमार का बच्चा? विद्या उसे अपने साथ घर ले गई। घर ले गई है? जी। क्या पड़ी जो ये ढूंढे किनारा, ढूंढे किनारा।
चंदू जी फरमाइए फरमाइए मैं पूछता हूं तू यहां क्यों आया है माता जी के दर्शन करने झूठ बिल्कुल झूठ हरीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है हरीश झूठा है बाबूजी उसने आपको यूं ही भड़का दिया है चुप बेशरम तूने तो खानदान की नाक कटा दी चंदू मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं तू यहां क्यों आया आप इस पर तो नाराज होते हैं चंदू को मैंने बुलवाया है ओहो तू भी इस पाप में शरीक है ठहर जा पहले मैं चमार के छोकरे के साथ निपट लूं आप नाराज ना हो बाबूजी मैं चला जाता हूं माताजी ने मुझे अपना बच्चा समझा ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं अभी भुलाई देता हूं बाबूजी हट बाबूजी की बच्ची बाबूजी मैं विद्या भवन का विद्यार्थी हूं मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है रख दीजिए लकड़ी आप मेरे बुजुर्ग हैं एक नीच चमार की ये हिम्मत निकल जा मेरे घर से फिर कभी इस लड़की के साथ देखा या सुना तब गोली मार दूंगा तुम दोनों कान खोलकर सुन लो दीजिए अगर कुछ हो गया तो हम लोग इसकी सूरत के लिए फिर तरस जाएंगे तो तू चाहती है कि ये एक चमार के छोकरे के साथ गली गली छक मारती फिरे दुनिया तमाशा देखे और मेरी खिल्ली उड़ाए इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे मैं इसका गला घोट दूंगा मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला विद्या विद्या को पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला क्यों इतना बड़ा होने दिया विद्या को खामोश मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता मरो या जियो तुम्हारी किस्मत भगवान सब ठीक कर देगा बेटी मत रो बहुत अच्छे हाँ अब फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैंने आपकी विद्या भवन की बहुत तारीफ सुनी है आई विश टू सर्व विद्या भवन आई मीन मैं अपना जीवन विद्या भवन की सेवा में लगाना चाहती हूँ बहुत अच्छे इसके पहले आप क्या करती थी पढ़ती थी बीए पास हूँ इंग्लैंड जाने का विचार था लेकिन सोचा कि यहाँ इंडिया में रहकर ही कुछ करूँ इसीलिए यहाँ ठीक है इस बारे में आप श्री चंद्रशेखर जी से मिलिए बेटा सीताराम आपको चंदू बाबू के पास ले जाओ पधारिए जय हिंद बैठिए अब फरमाइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप जी आई विश टू सर्व विद्या भवन आई मीन आप हिंदी जानती हैं यस यस ऑफ कोर्स तो फिर आप हिंदी में ही बात ऑल राइट माफ कीजिए जी मेरा नाम लीला है मैं विद्या भवन की सेवा करना चाहती हूँ विद्या भवन की सेवा करने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा विद्या भवन के लिए मैंने ऑलरेडी माफ कीजिए विद्या भवन के लिए मैं बहुत बड़ा त्याग कर चुकी हूँ बीए पास करने के बाद इंग्लैंड जा रही थी पढ़ने के लिए यहाँ की तारीफ सुनकर इंग्लैंड जाने का विचार ही छोड़ दिया तो आपको विलायत ही जाना चाहिए था विद्या भवन को विलायत समझने में आपने भूल की नहीं नहीं मिस्टर चंद्रशेखर लेकिन आपका दिखाओ बड़ा भयानक है भयानक जी होंठों की लाली ओह नाखूनों का लाल लाल रंग ये भड़कीली साड़ी सेवा करने वाले कभी पसंद नहीं करते आज आप मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चंद्रशेखर कल से मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी यू डेफिनेटली लाइक मी ओहो हो लो फिर से मैं इंग्लिश में बोल पड़ी आई एम सॉरी
मुझे जरूर पसंद करेंगे। तो फिर जी, विद्या भवन का दरवाजा हर एक के लिए हर वक्त खुला है। जय हिंद। जय हिंद। तू चाहती है कि ये एक चमार के छोकरे के साथ गली गली छक मारती फिरे, दुनिया तमाशा देखे और मेरी खिल्ली उड़ाए। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। बधाई चंदू बाबू, बधाई विद्या देवी। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े बाबू ने तुम्हारे लिए बहुत सी मिठाई मंगाई है। मिठाई खाओगे ना? अंत तुम्हारे हाथ आएंगे। ओ कृष्ण कन्हाई, ओ कृष्ण कन्हाई, आशाओं की दुनिया में है क्यों आग लगाई। तेरे यहाँ पर भी है भगवान, ऐसा नहीं तो क्यों है ये संसार में तूफान। क्या ऊंच नीच तेरे यहाँ पर भी है भगवान, ऐसा नहीं तो क्यों है ये संसार में तूफान। पीने को है तैयार लहू भाई का भाई, ओ कृष्ण कन्हाई, ओ कृष्ण कन्हाई। भेदभाव को भगवान मिटा दे, भगवान मिटा दे, बिछड़े हुओं को फिर से एक बार मिला दे, एक बार मिला दे। गोपाल मेरे, गोपाल मेरे, गोपाल मेरे, कैद से दे दे तू रिहाई। आशाओं की दुनिया के पुजारी बने खुद बैठे हैं भगवान। इंसाफ न करना था तो क्यों दुनिया बसाई, इंसाफ न करना था तो क्यों दुनिया बसाई। ओ कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई, आशाओं की दुनिया में है क्यों आग लगाई। ओ कृष्ण कन्हाई, ओ कृष्ण कन्हाई। जय हिंद मिस्टर हरीश। हेलो लीला, वो कहां तक पहुंची? बिल्कुल चांद के करीब। ये क्या कर रही हो लीला? ये फोटो की लाली, नाखूनों का लाल लाल रंग, भड़कीली साड़ी, नहीं चलेगा। लो बेश। पूरा नाटक करना है मिस लीला। अगर तुम अपना पार्ट कामयाबी की सजा करती रही तो सीधा पागल खाने भेज दूंगा। छी, मुझे बेईमान समझती हो? नो 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 नो, नेवर। हला आप और बेईमान, कभी नहीं। सुमन आपकी तारीफ करती थी, उर्वशी ने आपकी ईमानदारी पर फिदा होकर गले में फांसी की माला डाल ली, और रेखा। शट अप। देखो लीला, जो मेरे साथ दगा करता है मैं उसके साथ। या, 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 या। क्या कहने। अच्छा तो निकालिए रुपए इसी बात पर। रुपए? अरे ढक दूंगा रुपयों से। विद्या,
क्या हम जिंदगी भर यूं ही हंसते ही रहेंगे? क्यों नहीं चंदू, बीए पास होने के बाद शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुछ और बनाना चाहें। तुम्हें छोड़कर तो मैं कुछ भी नहीं बन सकती चंदू। कुछ बन तो जरूर गई हो, जरा मेरे दिल से पूछो। तुम्हारे दिल से क्या पूछो, ये तो मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि मैं बड़ी हो गई हूँ। यही तो मुसीबत है कि तुम बड़ी हो गई हो और मैं भी बड़ा हो गया हूँ दुनिया की नजरों में खटकने के लिए। निकलने वाले ही नहीं, जितना वो निकालने की कोशिश करेगी हम उतना ही चुपते जाएंगे और देखना एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। बेटी विद्या की तबीयत कुछ खराब मालूम होती है चाची? हाँ, इसे कई दिन से खांसी है। खांसी का होना ठीक नहीं, कोई दवा दी है विद्या को? आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, दवा पी ली जाएगी, आप चिंता ना करें। बोलो नहीं विद्या, ज्यादा बोलने से खांसी उठती है। जी तो आपको जो कुछ बोलना है एक साथ बोल जाइए और चुपचाप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हरीश, भगवान के लिए विद्या से ज्यादा बातें न करो। चाची जी, मैं तो विद्या का हाल पूछने आया था। खैर, लीजिए चला जाता हूँ। जाइए। जय हिंद। तू यहां क्यों आया? भौंकता क्यों नहीं?
बाबूजी। दिया के ले जा डॉक्टर को, दवा डॉक्टर देगा या मैं? ले ये रुपया ले। रुपये है मेरे पास, ले जाऊंगा डॉक्टर को। अरे मैं तुझे देता हूँ, रख जेब में उल्लू। मुझे? मुझे हर महीने तनख्वाह मिल जाती है बाबूजी, मुझे इन रुपयों की जरूरत नहीं। अच्छा तो मरो। सकल विघ्न व्याप ही नहीं तेरी, राम कृपा करि चित वही जेरी। विद्या। बहु रानी। वो नहीं आए? माँ, माँ कहाँ गया चंदू? अभी अभी मेरे पास था, कहाँ गया, कहाँ गया? लेट जा बेटी, डॉक्टर साहब आए हुए हैं। चंदू अभी तक सोया नहीं बेटा, सवेरे जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है ना? उठ जाऊंगा बाबा। अरे जल्दी सोएगा नहीं तो जल्दी उठेगा कैसे? अरे 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 चंदा की तरफ देख रहा है, अरे पागल हो जाएगा पागल बेटा। चल 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 चल। हो गया ना पागल, बैठ चल बैठ यहाँ बैठ। देख चंदू, वो लैला भाई है ना बाबा, उसका नाम लीला है। अरे हाँ लीला लीला, तो बाबूजी ने सोचा है कि वो उन बच्चों को पढ़ाएगी जिन्हें विद्या पढ़ाया करती थी। विद्या के पढ़ाए हुए बच्चों को लीला पढ़ाएगी? अरे नहीं पढ़ा सकेगी तो सीख जाएगी। जा अब सो जा, कल किसी को भेजकर विद्या की खबर मंगा देंगे। विद्या के बाबूजी, विद्या के बाबूजी। क्या है? विद्या की तबीयत खराब होती जा रही है, कोई दवा असर नहीं करती। तो मैं क्या करूं, किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो। दिल की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हैं? तू क्या कहना चाहती है? चंदू को बुला लीजिए, वो भी देख लेगा, बच्ची बच जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता। विद्या कल मरती हो तो आज मरे, मैं अपनी इज्जत को खाक में नहीं मिलने दूंगा। अपने ही हाथों से अपने घर का चिराग न बुझाई विद्या के बाबूजी, अंधेरे घर में आपकी इज्जत ठोकरे खाती फिरेगी और दुनिया खड़ी खड़ी हंसेगी। हंसने वालों को कोई नहीं रोक सकता, बात मान जाइए मेरी, बुला लीजिए चंदू को, विद्या बच जाएगी। मेरा दिमाग ना चाट, जो तेरे जी में आएगा। चल उठ उठ, मुझे सोने दे। भोलाराम, भवानीपुर के जमींदार की चिट्ठी आई है, उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो गांव गांव में जाकर विद्या का प्रचार कर सके। वो भवानीपुर में विद्या भवन जैसी एक संस्था बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद मांगी। मदद जरूर करनी चाहिए बाबूजी, विद्या का प्रचार करना तो अपना कर्तव्य है। लेकिन भेजेंगे किसे बाबूजी? यही मैं भी सोच रहा हूं। वो लैलाबाई है, उसे भेज दो। लैलाबाई नहीं, लीलाबाई भोलाराम। लीलाबाई, जरा हम भी तो देखे कितनी होशियार है। बिलायत जाने वाली थी ना बाबूजी, अब देखे हिंदुस्तान में रहकर क्या करती है। बात तो ठीक है भोलाराम, लेकिन लीला स्त्री है, उसे अकेली भेजना ठीक नहीं। इसके अलावा वो हमारे काम के लिए नई है, किसी भरोसे के आदमी को भेजना चाहिए। तो चंदू को भेज दो उसके साथ, जरा उसके भी हथकंडे देखे। नहीं नहीं भोलाराम, चंदू लीला से बच बच कर चलता है, वो हमेशा उसके चाल ढाल पर नजर रखता है। विद्या का प्रचार तो हेल मेल से होता है भोलाराम,
आज क्या ही अच्छा होता अगर विद्या यहां होती। जो चीज नहीं है उसका क्या सोच बाबूजी। चंदू को लाला बाई के साथ भेज ही दीजिए, दोनों का इम्तहान हो जाएगा। तुम बहुत भोले हो भोला राम, बाप होकर बेटे के दिल की हालत नहीं समझ सकते। चंदू विद्या से प्रेम करता है। वो चंदा देख रहा था बाबूजी, मैं समझ गया कि वो विद्या को देख रहा है। मैं पूछता हूँ बाबूजी, वो कितनी भी जान मारे चंदा को छू सकता है? बाबूजी आप तो उसे अपना जैसा ही बना डालिए, तपस्या करने दो उसे, भेज दो लैला के साथ। राम बाबू। शंभू दादा जी, कैसी है विद्या? बेहोशी में भी तुम्हें याद करती रहती है। बाबूजी ने क्या कहा? शाम को आ रहे हैं विद्या को देखने, तुम भी आ जाओ तो अच्छा है। धीरज से काम लो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, उसे अपना काम करने दो और हमें अपना। एक नन्ही सी जान ने तड़प तड़प कर चारपाई पकड़ ली है, क्या तुम उसका इलाज भी न करोगे? डॉक्टर आता है ना? तुम्हारे भैया भी यही कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि बच्चे को मर्ज क्या है और उसे कौन सा डॉक्टर अच्छा कर सकता है। विद्या भवन से बड़ा डॉक्टर भेज दूंगा।
नहीं राम भैया, चंदू से बढ़कर विद्या भवन कोई डॉक्टर नहीं, उसे यहाँ भेज दो, विद्या अच्छी हो जाएगी। चंदू तो भवानीपुर गया है भाभी, एक महीने में लौटेगा। एक महीने में लौटेगा? मैं तो लुट जाऊंगी राम भैया, विद्या को बचा लो। घबराओ नहीं भाभी, ईश्वर सब ठीक ही करेगा, मैं विद्या से मिल लूं। रात हो चुकी है, आप सो सकती हैं। नींद न आए तो भी आ जाएगी नींद, कोशिश कीजिए। चंदू बाबू, जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरे दिल में गुदगुदी क्यों होने लगती है? इसलिए कि शायद आपका कोई भाई भी मेरी ही तरह मुस्कुराता होगा। चंदू बाबू, याद आ गई घर की? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? दूध पी लीजिए। मुझ पर इतना बोझा ना डालिए लीला देवी, आप ये तकलीफ क्यों करती हैं? दूध गर्म मैं ही कर लेता। मेरे होते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों जी? आप आपको आपसे बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दिल में पीर। बावरे यही प्रीत की रीत, बावरे यही प्रीत की रीत। बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दिल में पीर। बावरे यही प्रीत की रीत, बावरे यही प्रीत की रीत। आशाएं मिट जाएं तो मिट जाएं, दिल की आहें कभी न बाहर आए। आशाएं मिट जाएं तो मिट जाएं, दिल की आहें कभी न बाहर आए, कभी न बाहर आए। धरी हो होठों पर मुस्कान, न कोई ले दिल को पहचान। इसी में है रे तेरी जीत, बावरे यही प्रीत की रीत। दीपक जले भवन में, रहे पतंगा वन में। प्रीत खींच कर लाई, उसे जलाया छन में। दीपक जले भवन में, रहे पतंगा वन में। प्रीत खींच कर लाई, उसे जलाया छन में। जलन का उसे कहाँ था होश, प्यार का चढ़ा हुआ था जोश। गा रही दुनिया जिसके गीत, बावरे यही प्रीत की रीत। बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दिल में पीर। बावरे यही प्रीत की रीत, बावरे यही प्रीत की रीत। बहे ना कभी नैन से नीर। तुम रो रही हो लीला? स्त्री का हंसना क्या और रोना क्या? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं तो, गलती तो मुझसे हुई। मैं नहीं समझता कि तुमने कोई गलती की है।
अगर ऐसा है भी तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। चंदू बाबू, आप दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाने पर भी अपने आराम का ख्याल भी नहीं करते। मगर इसमें रोने की क्या बात है? आप मेरे आराम का ख्याल रखें और मेरी किस्मत में आपकी सेवा का सुख भी ना हो। मैं समझा नहीं। नहीं समझे आप? लीला, चंदू, ये क्या है लीला? मुझे समझने की कोशिश करो चंदू। रात की तन्हाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। भूल रही हो कि तुम विद्या भवन की सेविका हो। सेवक दूसरों को बर्बादी से बचाता है और तुम खुद ही बर्बादी के रास्ते पर कदम रख रही हो। हम यहाँ विद्या का प्रचार करने आए हैं, बद चलने का नहीं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या प्रेम करना बद चलने का प्रचार करना है? तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं, वासना है, हविस है। तुम्हारे सांसों में प्रेम की खुशबू नहीं, वासना की बदबू आ रही है। क्या तुम रात के सन्नाटे में विद्या भवन के आदर्श का गला घोट देना चाहती हो? आदर्श? चंदू बाबू, मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। चंदू कभी किसी से नफरत नहीं करता, फिर तुम्हारे लिए उसके दिल में जगह क्यों नहीं होगी? पर मैं देखता हूं कि तुम अपनी जगह से गिर जाना चाहती हो। नहीं नहीं, मुझे अपनी जगह से अलग न कीजिए। बचपन से ही मेरे दिल में बहन की जगह खाली थी और तुमने विद्या भवन में आकर वो जगह हासिल की। अब भी वो जगह तुम्हारी है। चंदू, उठो लीला, हंसो हंसो। राम बाबू, कौन? मैं हूँ शंभू। शंभू दादा जी, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है बाबूजी? विद्या की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है बाबूजी। चंदू को जल्दी बुला दीजिए वरना विद्या से हाथ धोना पड़ेगा। विद्या की तबीयत ज्यादा खराब हो गई? मैं समझ गया बाबूजी, चंदू को तार दे दीजिए कि वो फौरन यहाँ चला आए। जाइए बाबूजी, जल्दी कीजिए। अच्छी बात है, तुम चिंता ना करो, मैं चंदू को तार दे देता हूँ। अच्छा। आ गया हूँ विद्या, मैं आ गया हूँ विद्या, तुम्हारा चंदू। चंदू? विद्या। माँ, किनारे किनारे चले जाएंगे।
भी नैया को खेते हुए चले जाएंगे चले जाएंगे किनारे किनारे चले जाएंगे। माना कि किस्मत करार है हाँ तकरार है देवत के हाथों में पतवार है। माना कि किस्मत से तकरार है देवत के हाथों में पतवार है। मंजिल पे अपनी बढ़े जाएंगे मंजिल पे अपनी बढ़े जाएंगे जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे चले जाएंगे किनारे किनारे चले जाएंगे। मंजिल पे पहुंचे तो किस्मत हंसी ले दुनिया की खुशियां मोहब्बत हंसी किस्मत हंसी मोहब्बत हंसी। मंजिल पे पहुंचे तो किस्मत हंसी ले दुनिया की खुशियां मोहब्बत हंसी। हंसाएंगे सबको हंसे जाएंगे हंसाएंगे सबको हंसे जाएंगे जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे चले जाएंगे किनारे किनारे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। ओ हेलो मिस्टर चंद्रशेखर। कहिए हजरत आज अकेले ही लीला को कहाँ छोड़ा है? होगी विद्या भवन में। भाई बड़ी तारीफ कर रही थी लीला तुम्हारी, कहती थी दिन कैसे निकल जाता है रात कैसे बीत जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। चंदू बाबू मेरा खास ध्यान रखते हैं। हाँ अच्छी लड़की है लीला। ठहरो विद्या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे फुर्सत नहीं है। अब तो तुम्हें फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद ये घर भी मेरा होगा और तुम भी मेरी होगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी मेरे साथ कर रहे हैं। शट अप। बधाई हरीश बाबू। थैंक यू। जरा अपनी उस लीला का ध्यान रखना, दुनिया में अकेली है बेचारी। धन्यवाद। बाबूजी। क्या है? बाबूजी हरीश को समझा दीजिए मुझसे ऐसी वैसी बातें ना किया करें। क्या कहा हरीश ने? कहता था मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर कभी उसने ऐसी बात कही तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। वो ठीक कहता था, तेरी शादी उसी के साथ होगी, उसकी बेइज्जती तो नहीं की तूने? उसको अपनी इज्जत बचानी है तो मुझसे ऐसी बातें ना करे। आपको उसकी इज्जत का ख्याल है तो आप अपना ख्याल बदल दीजिए। विद्या तुझे अपने पिता के सामने जबान चलाते हुए शर्म नहीं आती? हरीश के साथ शादी करके मैं अपनी माँ की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। किसने तेरा दिमाग खराब किया है बता मुझे, मैं उसका गला घोट दूंगा। उस घड़ी में जब वो रात के 2 बजाती है और आप शराब के नशे में झूमते हुए घर आते हैं, माँ को पाए 10 थप्पड़ लगा। खामोश। बहुत बकवास सुन चुका, तू लड़की है तुझे लड़की की तरह रहना चाहिए, जबान चलाना लड़कियों का काम नहीं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है बाबूजी, अगर पढ़ लिख कर मैं अपना भला बुरा ना सोच सकी तो हिंदुस्तान की लाखों अनपढ़ लड़कियां मुझ पर थूकेंगी और कहेंगी हमारे मुंह पर तो जहालत के ताले पड़े हुए थे इसलिए हम चुपचाप कुएं में गिर पड़ी, मगर तुमने पढ़ लिख कर क्या कर लिया? मैं तुझे कुएं में नहीं धकेल रहा, हरीश मेरे दोस्त का लड़का है जिसका खानदान उच्चमार के छोकरे से कहीं ऊंचा है। लेकिन चंदू शरीफ है, आपके दोस्त का लड़का गुंडा है बदमाश है, वो कितनी ही भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। नहीं नहीं ये सब गलत है, मैं हरीश को अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं भी हरीश को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं उससे कभी शादी नहीं कर सकती। विद्या तेरी शादी हरीश के साथ ही होगी। ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता? कभी नहीं हो। सुन ले जो मैं चाहता हूं वही इस घर में होगा, तुम मां बेटियों ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है।
चेंज, इनकलाब। ओ, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गुरुदेव। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सौ चूहे मार बिल्ली हज को चली। खुश हो जाओ, ये तुम्हारी गुंडों जैसी बातें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मिस लीला बोल रही हैं या मेरे पैसों का शुक्रिया? जी हाँ, मैं जिंदगी भर आपके पैसों की शुक्रगुजार रहूंगी, जिन्होंने मिट्टी में मिलते हुए मेरे जीवन को सोना बना दिया। लेते जाइए अपने पैसे और दीजिए मेरे जैसे किसी गुमराह लड़की को जो रास्ते पर आ जाए। लीला, तुम हरीश के साथ गद्दारी कर रही हो और तुम देश से गद्दारी कर रहे हो। चंदू जैसे कर चंदू तुम्हारा भाई समझे। शट अप लीला, तुम जा सकते हो यहाँ से और लेते जाओ अपने पैसे। हरीश थूक कर नहीं चाटता। जय हिंद। दूध की सौगंध खाकर कहती हूँ माँ कि जब तक तुम्हारे चरणों पर बाबूजी को लाकर ना झुका दूंगी तब तक मैं अपनी सूरत ना दिखाऊंगी। विद्या, घर छोड़कर कहाँ जाएगी? चाचा जी के पास, विद्या भवन, और मैं जा रही हूँ। विद्या, विद्या, हे भगवान। भगवंतर संसार के हैं खेल निराले, खेल निराले। हंसता है कोई और कोई करता है नाले, खेल निराले। भगवंतर संसार के हैं खेल निराले। दुख से कोई बेचैन कोई सुख में है हंसता, दुख से कोई बेचैन कोई सुख में है हंसता। मंजिल पे कोई यार कोई भूला है रास्ता, कोई भूला है रास्ता। कोई है मगन गैर से मिलने की खुशी में, कोई है मगन गैर के मिलने की खुशी में। और कोई तड़पते हुए दिल को संभाले, खेल निराले। भगवान तेरे संसार के हैं खेल निराले। कब तक कोई दुख झेलेगा सुख वालों के दाता, कब तक कोई मुंह धोएगा हंसवंत विधाता। रोना ही अगर है मेरी किस्मत में तो भगवान, आ तू भी जरा, आ तू भी जरा साथ मेरे आंसू बहाले, आंसू बहाले। भगवान तेरे संसार के हैं खेल निराले। हंसता है कोई और कोई करता है नाले। मन को तमाचा मारकर कौन बहन खुश ना होगी चंदू भैया? किसका मारा तुमने? तुम्हारे बचपन के दोस्त हरीश बाबू को। हरीश को क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अब तो तुमने मेरा जीवन ही बदल डाला है, तुमसे कुछ ना छुपाऊंगी। विद्या, विद्या चली क्यों आई वहां से? इसलिए कि बगैर पूछे चली आई थी। ओ समझा, जानती है वो कौन है? होगी कोई मेरी बहन। अरे रो रही है? छी, अगली कहेंगी।
चल मेरे साथ, तेरी नहीं मेरी बहन है लीला, और तुम्हारे परिचय करा। लीला जानती हो विद्या को? जानती तो थी लेकिन पहचानती नहीं थी, अब अच्छी तरह जान भी गई और पहचान भी गई। क्या पहचान गई? बता दूं? बता दो। बता दूं? मेरी होने वाली भाभी। चंदू बाबा। लेकिन माता जी वहां अकेली? जरूर, कुछ दिन के लिए माँ वहां अकेली दुखी रहेगी, लेकिन मैं माँ के चरणों की सौगंध खा कर आई हूँ चंदू, कि जब तक बाबूजी को माँ के चरणों पर ना झुका दूंगी, मैं माँ को अपनी सूरत ना दिखाऊंगी। अब सही रास्ता बताना तुम्हारा काम है चंदू। मैं माताजी को सुखी करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा विद्या। चंदू मन्ने बड़ी देर, तुम यहां क्यों आए? जी घर पे आप मिलते नहीं, ऑफिस में थे नहीं, यहां ना आता तो और क्या करता? फजूल बातें ना करो, अपना मतलब बताओ और चले जाओ यहां से। देखिए चाचा जी, मुझे विद्या का बर्ताव पसंद नहीं। अगर अजीब आदमी हो तुम, ये कोई वक्त है इन बातों का? सुबह घर आना, चलो आप यहां से जाओ। आज मैं फैसला करने ही आया हूं और आपका फैसला सुनकर ही जाऊंगा, मेरे पास बेकार वक्त नहीं जो मारा मारा फिरूं। तो घर बैठो अपने, वक्त देखा ना जगा, बस चले आए दिमाग चाटने। अब मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको साफ साफ बताना होगा विद्या की शादी मुझसे कर रहे हैं या नहीं। तुम शादी मुझसे करने आए हो या विद्या से? विद्या को तुम अभी तक राजी ना कर सके, इसमें मेरा दोष है। अगर वो तुमसे शादी नहीं करती तो इसके ये माने हुए कि तुम नालायक हो, मेरा यही फैसला है। अच्छा चाचा जी, अब मैं आपको लायक बनकर ही बताऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। हरीश भैया, अनन्या, क्यों भाई इतने परेशान क्यों? क्या पूछते हो परेशानी की भैया, साहब के मारे नाक में दम आ गया है बस। क्यों, क्या हुआ? होता क्या, रोज एक ही धंधा, ये नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। अब जवाब क्यों नहीं देते, बोलो। जी किसी ने नहीं। किसी ने नहीं, तुम बोलो। तुम बताओ। ये यूं नहीं बताएंगे, तुम सब मिलकर इनकी मरम्मत करो, फिर सब बता देंगे। मारिए नहीं, बताते बताते। ठहरो, तो बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है? जी नन्हे साहब ने। कौन नन्हे साहब? जी हमारी तो रोजी ही उन्हीं से चलती है सरकार। कहां रहता है ये नन्हे? मालूम नहीं। फिर मालूम नहीं? जी घर तो हमें सचमुच ही मालूम नहीं, हम उनसे टेलीफोन पर बात कर लेते हैं। टेलीफोन पर बातें कर लेते हो, फिर लड़की उठाकर कहां ले जाने वाले थे? मुंह क्या देखते हो, जवाब दो।
जमींदार हरी सिंह साहब के कमरे पर। हरी सिंह साहब के कमरे पर क्यों? मैं सब समझ गई हूं चंदू, नन्ने को मैं अच्छी तरह जानती हूं। आओ मेरे साथ और करो टेलीफोन नन्ने को कि लड़की हमने कमरे पर पहुंचा दी है। ये क्या कर रही हो विद्या? पहले ने टेलीफोन कर लेने दो, फिर बताऊंगी। आओ मेरे साथ। करो टेलीफोन। हेलो, वो नन्ने साहब? हाँ हाँ, मैं नन्ने बात कर रहा हूँ। जी आपके कहने के मुताबिक काम हो गया है। काम हो गया? शाबाश शाबाश शाबाश। तुम्हारा इनाम तो मिल जाएगा ना सर? हाँ मैं वहीं आके इनाम दूंगा, मैं वहीं आ रहा हूँ। लीला बहन, कुछ देर के लिए तुम इन्हें अपनी निगरानी में रखो, चाचा जी और बाबा के आने पर इनका फैसला होगा। बहनों अब तुम जा सकती हो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आओ मेरे साथ। विद्या, ऐसे बदमाशों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, यहां रखने से फायदा? जो कुछ मैंने सोचा है अगर वो हो गया तो माँ के सामने जो मैंने कसम खाई है वो पूरी हो जाएगी, और अपने देश की मजबूर बहनों के सामने मैं एक ऐसी मिसाल कायम कर सकूंगी जो उन्हें दुनिया की ठोकरों से बचाएगी। मैं अभी तक समझा नहीं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जरूर कोई जबरदस्त दिमाग काम कर रहा है। वो एक ही निशाने से दो शिकार करना चाहता है, पिताजी को बर्बाद और विद्या भवन को बदनाम। मैं जाकर पिताजी को समझाऊंगी और वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। इसकी तरकीब। चाचा जी, चाचा जी। विद्या, चंद, चाचा जी कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ बदमाश लीला को पकड़कर ले गए। लीला को? चलो विद्या। हाँ, तो फिर हरीश? मैंने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन चार के सामने एक की क्या चलती। बहुत मुकाबला किया लेकिन आखिर कमबख्त ले ही भागे। हेलो हरीश। ओ लीला, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। चलो भैया बीच में आओ। शाबाश बेटा शाबाश, अब बस करो। चाचा जी, ये हमें बेवकूफ बनाने आया था। हम सब सुन चुके हैं बेटी। नन्हे, मेरे पांव क्यों कांप रहे हैं? कहीं हुजूर ने ज्यादा तो नहीं पी ली? ओ नहीं नहीं, देख मेरा दिल भी धड़क रहा है। दिल को थाम लीजिए हुजूर। पहले दिन नए मकान में नींद नहीं आया करती। मान गया बेटा, मान गया। जाइए हुजूर जाइए। जाऊं? हाँ। क्या बात है, ऐसा मालूम होता है कि आसमान से परी उतर कर आ गई है। इधर देखो, निगाहों को ऊपर उठाकर तो देखो, कोई तीर अपना चलाकर तो देखो। आहा, क्या शेर किसी ने कहा है इसी वक्त के लिए। इधर आओ, नहीं आती? अच्छा तो लो, प्यासा खुद ही कुएं के पास आता है। घूंघट छुपा सकेगा भला कैसे शोकियां, बादल छुपाए लाख क्या छुपती हैं बिजलियां। विद्या जी, विद्या भवन की विद्या।
जमींदार हरि सिंह की बेटी विद्या नहीं। भाग क्यों रहे हैं आप? अभी 2 नहीं बजे हैं। इन दीवारों को वही तमाशा दिखाइए जो ये रोज देखती हैं। भूल जाइए विद्या को और इनाम दीजिए उन लोगों को जो विद्या भवन से बाप के लिए बेटी को उड़ाने गए थे। भगवान को नहीं, अपने उन दोस्तों को याद कीजिए जिन्होंने आपको इंसान से हैवान बना दिया है और अब हैवान से शैतान बनाना चाहते हैं। पीजिए शराब, भूल जाइए दुनिया को और इस दुनिया के बनाने वाले भगवान को। भूल जाइए बाप और बेटी के पवित्र बंधन को। बढ़िए आगे। बाबूजी, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मर क्यों नहीं गया? ओ बाबूजी, मत आने दो विद्या को, मेरे पास मत आने दो। भाई साहब, राम मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। बाबूजी, बाबूजी, विद्या मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। बाबूजी, विद्या बड़ी नादानी कर बैठी है, इसे माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूं? नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों पर बड़े जुल्म किए हैं, तुम सब मुझे माफ कर दो। ऐसा न कहिए। नहीं नहीं। भाई साहब, चंदू और उसके पिता भोला राम आपको देखने के लिए आए। चंदू के पिता भोला राम, मैं उनका भी कसूरवार हूँ। ऐसा न कहिए जमींदार साहब, आप तो भगवान हैं। विद्या जैसी बेटी आपको मिली है और लक्ष्मी जैसी स्त्री। आओ चंदू। चंदू और विद्या दोनों मेरी आंखें हैं, इन्हीं की रोशनी से आज मुझे दुनिया में उजाला दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चों इधर आओ। देवर के हाथों में पतवार है, मंजिल पे अपनी बढ़े जाएंगे, मंजिल पे अपनी बढ़े जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए